रोहित वर्सेस सौरभ, रोहित बिवानी सौरभ महेंद्रगढ़ 61 kg। श्री महावीर जी जुआ से हमारे मध्य में पहुंचे हैं। श्री महावीर जी कृपया आप भी मंच पे अपना मान व सम्मान ग्रहण करें। श्री महावीर जी सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड जिनका मंच पे पगड़ी बांधकर मान व सम्मान करते हुए कुश्ती क्लब सिसाना के सभी सदस्यगण। साथियों देखिए तीनों ही मैच पर बहुत ही खूबसूरत कुश्तियां, बहुत शानदार बाउट हमारे मध्य में जारी है। और मैं आपको बता रहा था ये जो चैंपियनशिप है इसी से आने वाले समय में ये पहलवान जो जीतेंगे वो नेशनल में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और आने वाले समय में इन्हीं पहलवानों से ऐसे पटल पे भारत का नाम रोशन करेंगे। लाल कस्टम में रविंदर इशार मंच पर ऐसी ऐसी शख्सियतें विराजमान हैं जिन्होंने अपने समय में इस कुश्ती जगत में भारतवर्ष का नाम रोशन किया और आज भी कुश्ती को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये महावीर जी द्रोणाचार्य अवार्डी, इसके साथ ही श्री अनूप सिंह दहिया द्रोणाचार्य अवार्डी पुलिस अधीक्षक। आज हम सबके लिए ये बहुत ही खुशी का विषय है कि मंच पर ऐसी ऐसी विभूतियां जिन्होंने कुश्ती जगत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे भी उनके प्रयास जारी हैं। और मैं इन पहलवानों से, मेरे छोटे भाइयों से, बहनों से भी यही निवेदन, भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन करें। ये प्रियगान गुरुनाम नवीन इशार साई रोहतक रविंदर सोनीपत, ये सभी पहलवान तैयार रहे। मांडोठी से हमारे मध्य में पहुंचे हैं श्री कुकड़ उस्ताद जी पहलवान जी, श्री कुकड़ उस्ताद जी पहलवान जी मांडोठी, वे भी मंच पे आए अपना मान व सम्मान ग्रहण करें। आपका भी इस गांव सिसाना की तरफ से पगड़ी बांधकर मान व सम्मान है, प्लीज आप भी अपना मान सम्मान ग्रहण करें। श्री कुकड़ उस्ताद जी मांडोठी जिनका पगड़ी बांधकर मान व सम्मान किया गया, अंतरराष्ट्रीय कुश्ती कोच श्री अजय दहिया जी, श्री कृष्ण पहलवान जी रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, श्री नरेश पहलवान, श्री रतन पहलवान गोरड़ जिनका पगड़ी बांधकर मान व सम्मान करते हुए कुश्ती क्लब सिसाना के सभी सदस्यगण, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन की तरफ से।